हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक साइकोपैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दुर्भीति। अंग्रेजी में कहते हैं फोबिया। ठीक है, आपको इस फोटो से आइडिया लग गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके ये कहां से आया, यानी फोबिया कहां से आया। आप देखेंगे दुश्चिंता विकार, एंजाइटी जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जो मुख्य प्रकार के होते हैं वो है पांच। सामान्यकृत दुश्चिंता विकार यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, आतंक विकार इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, और तीसरा होता है दुर्भीति और फोबिया। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। फिर होता है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर एक होता है अभिघातज उत्तर दबाव विकार, PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। तो ये है दुश्चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो फोबिया भी दुश्चिंता विकार का एक प्रकार है। ठीक, अब डेफिनेशन यानी परिभाषा शुरुआत करेंगे। विशिष्ट वस्तुओं यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, अन्य लोगों के साथ परस्पर क्रिया और अपरिचित स्थितियों से संबंधित तर्कहीन डर को या भय को दुर्भीति कहते हैं। यानी कि कोई स्थिति आप ऑब्जेक्ट देख लें, सिचुएशन, या आपका किसी के साथ इंटरेक्शन जब होता है उस समय अगर आपका अंदर जो एक फियर डेवलप हो जाए, और फियर भी हो इरेशनल हो, इसका कोई तर्क ना हो, और वो एक्सेसिव अगर हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति फोबिया का शिकार हो गया है, दुर्भीति का शिकार हो गया है। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और है जो कोलमन, जेम्स कोलमन साहब कहते हैं कि दुर्भीति किसी वस्तु या स्थिति यानी कि ऑब्जेक्ट या सिचुएशन जिसे किसी प्रकार का कोई वास्तविक खतरा नहीं हो, यानी कि व्यक्ति को उस ऑब्जेक्ट से या किसी सिचुएशन से कोई रियल डेंजर नहीं हो, से लगातार उसे ना, और फिर भी उसको डर अनुभव हो रहा हो, यानी कि उस स्थिति से ऑब्जेक्ट से उसको डर नहीं है, रियल डेंजर नहीं होता, लेकिन फिर भी उससे डर अनुभव हो रहा हो, तथा खतरे को उसकी वास्तविकता से बड़ा चढ़ाकर उसका आकलन करता है, तो समझ लीजिए कि उसकी व्यक्ति के अंदर दुर्भीति हो गई है, फोबिया हो गया है। आप सिंपल देख लीजिए, जैसे कि बारिश के दिनों में आपको केंचुए दिखाई देते हैं, ठीक है, कोई डेंजर नहीं है उससे हमें, लेकिन बहुत से लोगों को ना केंचुओं को देखकर वो कांपने लगते हैं डर के मारे, और बहुत ज्यादा उनको एक तरह से ना एंजाइटी हो जाती है, और समझ लीजिए कि वो फोबिक रिएक्शन है उस ऑब्जेक्ट के प्रति। क्लियर आपको, यानी कोई रियल डेंजर उसके बाद नहीं है, उसके बावजूद भी उसे हमें जो खतरा है बड़ा बड़ा चढ़ा कर लगता है, और फिर क्या होता है, हमें एंजाइटी होने लगती है, और फिर उस एंजाइटी कुछ रिएक्शंस करते हैं, फोबिक रिएक्शन करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी फोबिया की जो मुख्य विशेषता क्या होती है, किससे आप इसको पहचानेंगे, भय या दुश्चिंता यानी कि एक्सेसिव फियर या एंजाइटी, किसी स्थिति में या कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई सिचुएशन हो, कोई घटना आपके साथ में घटी हो, कोई सूचना आपको कहीं से मिली हो, उससे संबंधित वो सूचना आपको दोबारा याद होते ही आपके अंदर एक्सेसिव फियर या एंजाइटी डेवलप हो जाए, किसी वस्तु को देख करो, तो यानी कि यहां पर एक खास बात यह है इस एंजाइटी डिसऑर्डर में, किसी वस्तु ऑब्जेक्ट सिचुएशन घटना के कारण ही जो व्यक्ति में भय और एंजाइटी उत्पन्न होती है तभी उसको हम फोबिया या दुर्भीति कहते हैं। सो दिस वॉज द की फीचर ऑफ द फोबिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिचय। तो जैसे मैंने आपको काफी इसमें चर्चा की, फिर भी एक बार ये स्लाइड आई है तो आपके साथ एक बार पढ़ लेते हैं। दुर्भीति दुश्चिंता विकारों का एक प्रकार दुश्चिंता विकार होती है। यह एक प्रकार की भय प्रतिक्रिया होती है, फियर रिस्पॉन्स होते हैं अन्य चिंता विकारों यानी कि जो दुश्चिंता विकार है, एंजाइटी डिसऑर्डर है के विपरीत। दूसरों में क्या होता है, कोई स्थिति नहीं, कोई सिचुएशन नहीं है, फिर भी आपको एंजाइटी हो जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई सिचुएशन होती है, कोई कोई ऐसी स्थिति होती है जिसको देखकर व्यक्ति के अंदर एंजाइटी या एक्सेसिव फियर उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, फोबिया क्या है, ऐसा धीरे धीरे विकसित होता है, स्लोली स्लोली उसके जो डर है, फोबिक रिएक्शंस होते हैं, दे ग्रेजुअली डेवलप्स, या सामान्यकृत दुश्चिंता विकार का शुरू होता है, या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होने के बाद फोबिया की शुरुआत होने लगती है। जिस वस्तु से व्यक्ति को फोबिया होता है उससे सामना होते ही या उसके बारे में विचार आते ही व्यक्ति ना एक भयंकर रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करने लगता है, बहुत एक्सेसिव रिस्पॉन्ड करने लगता है। जो लोग फोबिया से पीड़ित होते हैं
उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जो उनका डर है वो तर्कहीन इरेशनल है। उनको पता है कि वो कॉकरोच, वो मकड़ी, वो केचुआ उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दे नो दिस इरेशनली, लेकिन उस बात को जानते हुए भी वो भय और चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, रदर मैं कहूंगा दुश्चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अपने ऊपर अपनी मानसिक प्रक्रिया, आपके जो रिस्पॉन्स पैटर्न होता है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तभी तो वो फोबिक रिएक्शंस करते हैं, ठीक। आगे कहते हैं, कभी कभी डर इतना ज्यादा होता है, इतना अधिक होता है कि वो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगता है, और जिससे क्या होता है, व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटने लगती है। आप पढ़ने लगेंगे तो फोबिक रिएक्शंस आपको लगने लगेंगे, अगर आप कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपको फोबिक रिएक्शन फोबिया है किसी चीज से तो आपको लगने लगेगा। तो क्या हुआ कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस या इंटरफेयर होने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि अब जो फोबिया है वो मानसिक विकार में परिवर्तित हो चुका है। दैट वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फोबिया दुर्भेदी। इसके मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? जो एनसीईआरटी किताब आपको बताती है कि तीन प्रकार के मुख्य रूप से फोबिया होते हैं, विशिष्ट दुर्भीति स्पेसिफिक फोबिया, दूसरा है आपका सामाजिक दुर्भीति अर्थात सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया, और तीसरा होता है अगोरा फोबिया, मतलब कि जो फियर फ्रॉम क्राउड, जब भीड़ की स्थिति होती है वो कैसी भी हो सकती है, उसके कारण होने वाला जो फोबिया है उसको हम अगोरा फोबिया कहते हैं, यानी कि द फियर फ्रॉम द क्राउड, यार भय की स्थिति, भीड़ भाड़ की स्थिति में होने वाला जो फोबिया है उसको बोला जाता है अगोरा फोबिया, ठीक। अब बात करते हैं हम कुछ विशिष्ट दुर्भीतियां, चलिए कुछ ना आपको स्पेसिफिक जो फोबियाज होते हैं उनके बारे में, क्योंकि नाम बताते चलेंगे, एक्सप्लेन उनके, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अकोराफोबिया, उच्च स्थान से हाई, अगर आप बिल्डिंग पर चढ़ गए तो अगर उससे आपको भय होता है तो आप कहेंगे अकोरा फिर भी से व्यक्ति पीड़ित है। दर्द से एस्ट्राफोबिया, ठीक। उसके बाद है आपका बंद जगह से इनक्लोज स्पेस से क्लेस्ट्रोफोबिया, तीसरा है आपका हेमेटोफोबिया, हेमेटो मतलब होता है ब्लड से, व्यक्ति को कोई कट दिख जाए, कुछ ब्लड निकला दिख जाए तो व्यक्ति उसे फेंट हो जाता है कई बार, तो दैट इज द फोबिक रिएक्शंस, उसको बोलते हैं हेमेटोफोबिया। द थर्ड फिफ्थ वन इज द मायोफोबिया, मायसोफोबिया, मायसोफोबिया का मतलब है संदूषण, कंटेमिनेशन या जर्म्स, कि मुझे ना किसी को छुआ आपने तो व्यक्ति को लगने लगता है कि इससे मुझे जर्म्स आ गए और मेरे कॉन्टेमिनेट में हो गया, तो दैट इज मायसोफोबिया, ठीक। छठा जो आपका है मोनोफोबिया, अकेलेपन से, मोनो मतलब एक होता है ना, अकेलापन, व्यक्ति जब अपने आप को पाता है अकेली स्थिति में, उससे अगर उसको भय लगने लगे या फोबिक रिएक्शन दिखाने लगता है उसको बोलते हैं सी और ही सफरिंग फ्रॉम द मोनोफोबिया। फोर्थ सेवंथ है नाइकोटोफोबिया, दैट इज अंधकार से, नाइट से, जहां पर अंधेरा होता है उससे व्यक्ति को अगर डर लगने लगे तो दैट इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम द नाइकोटोफोबिया। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अंधकार में डर सभी को लगता है, अकेलेपन में कई बार आपको भय लगने लगता है, लेकिन जब ये भय, जब ये डर आपके जीवन में इंटरफेयर करने लगे तब वो फोबिया माना जाएगा, और छह महीने तक इसके अगर आपको लक्षण दिखाई दे तब फोबिया माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब मैंने कह दिया रात में लाइट चली और आप डर गए तो आपको लगेगा कि अरे मेरे को तो नाइकोटोफोबिया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सो दिस इज वेरी मच क्लियर आपको होना चाहिए कि चलो वो जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आएगा ना तब उसको डिस्कस करेंगे हम, तो दिस इज वेरी मच क्लियर आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बीच में बताया। अगला जो हमारा स्पेसिफिक फोबिया होता है ओक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया मतलब है भीड़ से, आदमियों की भीड़ से, ठीक है, जानवरों की भीड़ से नहीं, आदमियों की भीड़ से होता है ओक्लोफोबिया। नेक्स्ट कम्स दी पैथोफोबिया, रोग से, कि कहीं मुझे रोग ना हो जाए, किसी बार बीमारी ना हो जाए तो उससे लोग ग्रसित हो जाते हैं, वैसे देखिए बीमारी न होने के कारण भी लोगों को बीमारी हो जाती है, इसको हम पैथोफोबिया कहते हैं, है ना इंटरेस्टिंग चीज, देखिए इंसान किस प्रकार का प्राणी है। पायरोफोबिया, पायरो मींस फायर, आग से, कि कभी आग लग जाती है, कोई आग को देखने से कई लोगों को फोबिक रिएक्शन दिखाते हैं। देन कम्स दी और सिफ्लोफोबिया, इसको आज शक बोलते हैं, सिफिलिस बीमारी होती है उसके हो जाने का भी व्यक्ति को भय होता है, तो अगर वैसा कोई भय है तो उसको हम सिफ्लोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है जूफोबिया, जू से आपको पता चल गया जानवरों से डर, जानवरों से भय, तो उसको बोलते हैं जूफोबिया। और आ गया आपका एक कमाल का फोबिया नया आया है नोमोफोबिया, नोमोफोबिया यानी कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो फोबिक रिएक्शन से मेरा मोबाइल कहाँ गया, छूट गया, तो यार वहां रखा गया, पता नहीं कौन ले गया, कितना सारा डेटा था, कितना काम करना था, भय होने लगता है, चिंता होने लगती है कि मेरी कोई प्राइवेट बातें को चुरा ना ले फोन से, वो ऐसी चीज में निकाल ना ले उसे, तो दैट रिएक्शन, अगर भय एंजाइटी अगर आपको होने लगती है अगर आपके पास फोन नहीं है तो समझ लीजिए आपके अंदर नोमोफोबिया के लक्षण
दिखाई देने लगे। ये थे कुछ स्पेसिफिक फोबियाज, विशिष्ट दुर्भीतियां। आगे चलते हम, किसी भी फोबिया अगर आपको है किसी व्यक्ति को, या आपको है या किसी व्यक्ति को, उसके लक्षण क्या हो। सबसे पहला जो सिम्टम है, उसका लक्षण है, किसी विशेष वस्तु, गतिविधि यानी एक्टिविटी या स्थिति से भय या दुश्चिंता को अत्यधिक अनुचित और लगातार अनुभूति होना। मतलब ये चीजें हैं, भय हो तो भय होगा तो लगातार होगा, और वो बहुत ज्यादा होगा, और इरेशनल होगा, अनुचित होगा, तर्कहीन होगा। ये पहला लक्षण होता है उसका, ठीक है। तो दूसरा लक्षण है, संवेग या तो तर्कहीन होते हैं, यानी जो उसके इमोशंस होंगे और इरेशनल होंगे, या खतरे की वास्तविकता से बिल्कुल कहीं अधिक उनका अनुभव होता है। खतरा वास्तविक रूप से बहुत कम होता है, लेकिन उसका जो व्यक्ति को अनुभव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तीसरी बात है, ऐसी वस्तु, कोई कार्य या स्थिति जो फोबिया की शुरुआत करती हो, से बचने की प्रवृत्ति। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से फोबिया है, तो उसका सबसे मोटा लक्षण क्या होगा उस व्यक्ति का देखने का, किसमें उसके लक्षण है कि नहीं, तो उस वस्तु से हमेशा वो बचने की कोशिश करेगा, उस स्थिति से बचने की कोशिश करेगा। सपोज किसी को ब्लड से फोबिया है, और रस्ते में कहीं उसने देखा है, या कभी हॉस्पिटल में गए हैं तो किसी व्यक्ति को चोट लगी, उसको लेके आए, तो जो आम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, देखते हैं क्या हुआ यार, किसको हुआ, कैसे लगी, ऐसे देखते। लेकिन जिसको फोबिया होगा ना, वो मुंह फेर के चलने लगेगा, समझ आया आपको, उसे बचना चाहेगा। ये एक बहुत मोटा लक्षण है, आप इसको समझ सकते हैं कि उसके अंदर फोबिक रिएक्शन हो सकते हैं। दुश्चिंता से संबंधित शारीरिक लक्षण, यानी जो एंजाइटी होती है ना, उससे रिलेटेड आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि है ट्रेमर्स, झटके लगना, ऐसे पसीना आने लगना, चीज को देखते, वस्तु को देखते, सांस लेने में कठिनाई होने लगता, तकलीफ होना, चक्कर आना, मितली होना, ये सारे क्या लक्षण है आपके, उस वस्तु को देखकर, उस घटना को देखकर व्यक्ति के अंदर ऐसी सिचुएशन होने लगती है, समझ लियो फोबिया से पीड़ित है। आगे देखते हैं, कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस, ऐसा क्यों होता है इस व्यक्ति के। देखिए, जो स्पेसिफिक फोबिया होते हैं, आम तौर पर बचपन में वो, जबकि शुरुआती दौर में वो विकसित होने लगते हैं। बचपन ही बच्चों को मकड़ियों से, कॉकरोच से, केचुए से, वो गिजाई चलती है उनसे, कुछ बर्ड से, कुछ चीजों से बड़ा डर लगने लगता है, ठीक है। अब वो वहीं से शुरुआत होने लगती है, जिसके ज्यादातर मामले क्या होते हैं, 10 साल की उम्र से पहले ही विकसित हो जाते हैं फोबिया। ये DSM-5 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अमिगडाला पार्ट है ना आपका ब्रेन का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इननेट फियर की जो बात है, वो अमिगडाला में पाया जाता है, रिसर्च भी हुई है। बिल्ली के, चूहे के, जैसे चूहे का अमिगडाला निकाल लिया गया और उसको बिल्ली के सामने रखा, बड़ा हीरो के सामने खड़ा रहा, उसको भय ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क में जो चीज आपका डर इननेट फियर करती है, वो निकाल लिया गया, उसको बिल्ली से डर ही नहीं है, ठीक है। तो यही बात, एक मुद्दा ये भी है, अमिगडाला का एक बड़ा रोल है इसमें। लेकिन जो फोबिया जो विकसित होता है, उसके कुछ कारण है, वो सारे कारण है, मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने दे रहा हूं। सबसे पहले, विशेष व्यक्ति के साथ ना कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई दर्दनाक घटना घटी हो उसके साथ, तो इस व्यक्ति को फोबिक रिएक्शन दिखाने लगता है। फिर या दर्दनाक घटना का ऑब्जर्वेशन, यानी कोई घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चीज ऐसी हुई है, उसने उसको देख लिया है, उसकी आंखों के सामने घटा है, तो व्यक्ति को फोबिया हो जाएगा, उससे हो सकता है। एंड दिस वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फोबिया डेवलप होने की। तीसरा, अप्रत्याशित पैनिक अटैक, अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होने लगता है व्यक्ति को, कई बार होता है ऐसे, इमोशनल ट्रॉमा हो जाए या समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती है कि उसको पैनिक अटैक हो जाए। जब उसको उस स्थिति में जब पैनिक अटैक हो जाएगा ना, तो उसको क्या होगा, वैसी स्थिति से, वैसे ऑब्जेक्ट से फोबिया हो जाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कारण बता रहा हूं आपको। चौथा है, सूचना के प्रसारण से, जैसे कि 13 दिसंबर को भारत में पार्लियामेंट में अटैक किया गया, ठीक है। अगर वो अटैक मीडिया बार बार दिखाता है, तो बहुत सारे लोगों को फोबिया होने लगता है, क्योंकि आतंकवाद इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, और खास करके भारत का। तो भारत इतना शांतिप्रिय देश है, उसके बाद भी आतंकवादी, क्योंकि इसलिए हम इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, पहले अटैक किसी पे नहीं करते, पिछले 5000 वर्ष में भारत ने किसी पे अटैक नहीं किया, तो उसका यह फायदा है, आतंकवादी उठाते हैं। तो अब आप देखिए, जो 13 दिसंबर वाला अटैक था इंडियन पार्लियामेंट पे, उसकी सूचना अगर मीडिया बार बार दिखाए, तो व्यक्ति को उससे भी फोबिया जनरेट हो सकता है, ठीक है। एक और है, दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव, यानी कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए जो कि बहुत ही बेकार हो और दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे कि अनुभाविक विशिष्ट फोबिया बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंसिंग, आपका अनुभव हो जाए उस दुर्घटना का, उस दुर्भाग्यपूर्ण इवेंट का, तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर फोबिया भी डेवलप हो जाएगा। और एक और है, अनुवांशिक कारक भी होते हैं। 25 से 65%
रोल होता है जेनेटिक्स का फोबिया डेवलप होने, ठीक, ये भी आपका रीजन है, यानी कि माता पिता से आपको फोबिया उपहार में भी मिल सकता है। और अंतिम बात है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंट, जितने भी जानवर है स्थितियां हैं, दिस ऑल कम्स अंडर द एनवायरमेंट। सो ये कुछ काउंटिंग में थोड़ी वो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो कुछ कारण थे जो कि आपके फोबिया को ये जन्म देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम, कौन कौन से प्रोटीन और रसायन है बॉडी के अंदर जो आपके फोबिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार। सबसे पहला गाबा, गामा एमिनोब्यूटिक एसिड, जो कि एमिगडेला को अवरोधक होता है, एमिगडेला को इनहिबिट करता है कोई एक्टिविटी करने से। ठीक है, तो ये भी क्योंकि एमिगडेला आपका फियर रिस्पॉन्स के लिए है, और गाबा जो है अगर कम हो जाए तो एमिगडेला को इनहिबिट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, आपको फियर रिस्पॉन्स, एंजाइटी आपको ज्यादा होने लगे, डर ज्यादा लगने लगे। ठीक, दूसरा है डोपामाइन, जो एमिगडेला को सक्रिय कर देता है, अगर डोपामाइन का लेवल ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एमिगडेला विल गेट एक्टिवेटेड और उससे आपका जो फियर रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तीसरा इसी तरह से नोरेपिनेफ्रिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी से वही काम करता है जो डोपामाइन करता है, अर्थात एमिगडेला को सक्रिय कर देता है। और तो ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स थे जो कि आपको व्यक्ति के अंदर फियर रिस्पॉन्स को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जोखिम और रोग संबंधी कारक, ठीक, कौन कौन से, विशिष्ट फोबिया, जो स्पेसिफिक फोबिया होता है आपके कार्डियक हृदय से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग, श्वसन रोग रेस्पिरेशन, गाठिया जो बाव होता है उसकी स्थिति, माइग्रेन और थायरॉइड रोगों के साथ सहसंबंधित पाया गया, अर्थात जो इतने सारे रोग मैंने गिनाए ना, कार्डियक का है आपका, पेट का है, लंग्स का, सारे जो मैंने गिनाए, इनके साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड फोबिया, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक की अगर थोड़ी सी बीमारी है और उसको फोबिया हो गया तो बीमारी बढ़ जाएगी, ये कंफर्म है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ये प्रूव करती है। ठीक है, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोबिया से ये चीजें नहीं होंगी ये बात है, लेकिन अगर किसी के अंदर ये है तो ये पाया गया कि फोबिया उससे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, हमें ध्यान रखना होगा, इसका फायदा यह कि जो लोग इन चीजों बीमारियों से ग्रसित हैं उनको किसी प्रकार के फोबिक रिएक्शंस ना हो। ठीक, दूसरी बात जो है जो जोखिम या रोग संबंधी कारक है, मनोसामाजिक क्षेत्र में भारी नुकसान और जीवन की गुणवत्ता में कमी, तो आपका साइकोसोशल बिहेवियर ना, समाज में जो आपकी एक्टिविटी है उसमें क्या होगा, आपको आप अपना पूरा 100% परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जब आप पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में, समाज में, या अपने ऑक्यूपेशन में, अपने परिवार में, तो क्या होगा आपकी गुणवत्ता में और जीवन की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप गिर जाएगी। ठीक, ये भी एक बड़ा जोखिम है। तीसरी बात है व्यवसायिक एवं पारस्परिक कामकाज में क्षति, इंटरपर्सनल रिलेशंस में, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज में, आपके प्रोफेशनल एक्टिविटीज में आपको भारी नुकसान होता है, क्षति होती है, ये इंपेयरमेंट होने लगता है, आप पूरी एक्टिविटी नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते, और समटाइम ऐसा होता है कि आपको वो जॉब छोड़ना भी पड़ता है, काम बदलना पड़ सकता है, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है। चौथी बात है गिरने के डर से, खास करके बुजुर्गों में होता है, जब बुजुर्ग होते हैं ना उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, वो कम चलना चाहते हैं, कम चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको भय लगता है कि वो गिर ना जाए, गिरने से क्या होगा, कोई चोट लग जाएगी उनको। ठीक है, ये खासकर बुजुर्गों में पाया जाता है, जिसके कारण चलना फिरना और सामाजिक कार्यों में जो उनका योगदान है उसकी कुशलता में कमी आने लगती है, तो उनको अपने आप पर एक फोबिया भी होने लगता है और उनको एक परेशानी का भी एक कारण है, तो फोबिया उनको किस प्रकार परेशान कर सकता है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ जोखिम और रोग संबंधी कारक जो कि फोबिया के थे। अब बात करते हैं इसके नैदानिक मापदंड, क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द फोबिया, क्या क्या। सबसे पहले मैंने बताया था इसका जो की फीचर है एक्सेसिव फियर, यानी कि भय या दुश्चिंता तीव्र एवं गंभीर होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति में अगर हम फोबिया को डायग्नोस कर रहे हैं तो पहला उसका क्राइटेरिया ये है कि जो भय है, फियर है और एंग्जाइटी है वो बहुत ज्यादा हो, वो बहुत गंभीर होनी चाहिए, पहला। दूसरी बात है जब भी व्यक्ति फोबिया, यानी कि फोबिक स्टिमुलस जिनको बोलते हैं, जिनके कारण से व्यक्ति में फोबिया उत्पन्न होता है उसको फोबिक स्टिमुलाई या स्टिमुलस बोलते हैं, उत्पन्न करने वाली स्थिति, फोबिया उत्पन्न करने वाली स्थिति के संपर्क में आए तो हर बार भय या दुश्चिंता का उसे अनुभव हो, भय मतलब एक्सेसिव फियर और एंजाइटी उसको, ये भी एक बहुत बड़ा नैदानिक मापदंड है। ठीक है, तीसरा फोबिया उत्पन्न करने वाली वस्तु से सामना होते ही व्यक्ति में तुरंत फोबिक प्रक्रिया उत्पन्न हो, जब भी कोई वस्तु दिखे या कोई ऐसी स्थिति हो, ऐसी कोई घटना हो जिसमें व्यक्ति
फोबिक रिएक्शन दिखाता है तो उसके सामना होते ही व्यक्ति में फोबिक रिएक्शन दिखने लगे। अगर कुछ देर लगती है या नहीं होते फोबिक रिएक्शन तो व्यक्ति उसको डायग्नोस करना संभव नहीं होता, डायग्नोस करना भी नहीं चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया है भय, दुश्चिंता या परिहार। परिहार होता अवॉइडेंस, ऐसी स्थिति से अवॉइडेंस जो कि किसी प्रकार से वो फोबिया रिएक्ट करती है उससे अवॉइडेंस करना। कम से कम व्यक्ति ये प्रक्रिया 6 महीने तक या उससे अधिक करे, यानी उसके अंदर जो फोबिक रिएक्शंस है वो भय है, एंजाइटी है, 6 महीने से कम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि व्यक्ति फोबिया से पीड़ित है। इसका फायदा क्या, जो ट्रांजिट फियर्स हमें भी होता है, कई बार आप सामने हैं आपके पास कॉकरोच पैर बुचड़ के हम डर जाएंगे, हमारी हार्ट बीट फटाफट बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फोबिया हो गया। फोबिया मतलब ये कि उस कॉकरोच से हमें 6 महीने लगातार डरना पड़ेगा, समझ में आ गई, ठीक है, ताकि जो ट्रांजिट फियर्स है उनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर सके। अगला जो हमारा क्राइटेरिया वो है विशिष्ट फोबिया, जो स्पेसिफिक फोबिया होता है। स्पेसिफिक मतलब किसी वस्तु से, ऑब्जेक्ट से या इवेंट से हो। नैदानिक, क्लिनिकल, सामाजिक, व्यवसायिक या कामकाज के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्लिनिकल रूप से महत्वपूर्ण संकट या क्षति का कारण बने, मतलब सिग्निफिकेंट रूप से आपके व्यवसाय में वो व्यवधान उत्पन्न करे, इंपेयरमेंट उत्पन्न करे, ठीक है, तो इस तभी हमें पहचानना चाहिए एक व्यक्ति फोबिया से ग्रसित है या उसको फोबिया हो गया है। जो अगली बात छोटा है, लक्षणों और मानसिक विकारों के पारिवारिक इतिहास की गहराई से जांच होनी चाहिए। भाई आपके सारी चीजें लक्षण है फिर भी आप फैमिली हिस्ट्री देखो, कोई इसको और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है या पहले से ऐसा कुछ रिएक्शन तो नहीं, तो ये सारे क्लिनिकल ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं। इन सब को अगर सम्मिश्रण होता है तो तभी हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि व्यक्ति फोबिया से ग्रसित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो सबसे नीचे लिखा हुआ है कि फोबिया को डायग्नोसिस करने से पहले व्यक्ति की जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी जान लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो फोबिया के साथ सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड होती है। अर्थात आपका कल्चर भी आपके अंदर फोबिया डेवलप होगा या ना होगा कई बार इसका कारण बन सकता है। तो ये थे आपके कुछ नैदानिक मापदंड, और अब फोबिया की कुछ विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोबिया। फोबिया में भय अवास्तविक और तर्कहीन होता है, अनरियल और इरेशनल होता है, पहली इसकी विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है भय लगातार और अत्यधिक होता है, सस्टेन रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा और एक्सेसिव होगा। तीसरी इसकी विशेषता है दुर्भीति से उत्पन्न भय व्यक्ति में भारी परेशानी, उसको मुश्किल में डाल सकता है, पैदा कर सकता है। ये भी एक जरूरी भय हो लेकिन अगर व्यक्ति को परेशानी नहीं है तो समझ लीजिए कि उसको फोबिया नहीं है, मतलब उसको परेशानी जरूरी होनी है भय के कारण। तो चौथी विशेषता है उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया असंगत होती है, अनकंसिस्टेंट होती है, जो भी स्टिमुलस है उनके प्रति जो उनका रिस्पॉन्स पैटर्न होता है वो अनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक। पांचवी विशेषता होती है दुर्भीति, वस्तुओं या स्थितियों के संपर्क के आने से ही उत्पन्न होती है, अर्थात ऐसा नहीं है कि फोबिया आपका बिना वस्तु या स्थितियों के संपर्क में आने से उत्पन्न हो जाए, जैसा कि दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होता है। तो ये थी दोस्तों फोबिया की कुछ विशेषताएं। अब कुछ फोबिक उद्दीपक बताता हूं आपको, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको अंदाजा भी लग गया होगा। जानवर जैसे कॉकरोच, केचुआ, मकड़ी, कीड़े, कुत्ते आदि, इनसे व्यक्ति को फोबिया हो सकता है। दूसरी बात है प्राकृतिक इन्वायरमेंट, वातावरण या कि नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे कि ऊंचाइयां हैं, तूफान आ गया, पानी, आंधियां, इन सब के कारण व्यक्ति के अंदर फोबिया उत्पन्न हो सकता है। रक्त, इंजेक्शन, चोट, ये तीन चीजें, यानी कि ब्लड है उससे फोबिया हो सकता है, एमेटोफोबिया। इंजेक्शन लगता है, कई बार किसी को इंजेक्शन लगाओ तो भागने लगता है, पकड़ रखते डॉक्टर का हाथ, गए डॉक्टर हाथ मार देता है, तो देखो फोबिक रिएक्शन। या चोट से, किसी प्रकार की चोट से व्यक्ति को क्या होता है, फोबिया हो लगता है। ये कुछ स्टिमुलस जैसे सुइया है, सर्जरी आदि है, इससे व्यक्ति को फोबिया हो सकता है। तो चौथी बात है परिस्थिति जन्य, सिचुएशनल, जैसे हवा में, हवाई जहाज में जब आप ट्रेवल करते हैं कई को डर लग लगता है, लिफ्ट में, इनक्लोज स्पेस में, इन सारी चीजों में स्थिति जनक होते हैं, इनके कारण से व्यक्ति के अंदर फोबिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो इनको बोलते हैं फोबिक उद्दीपक, दुर्भीति के उद्दीपक, यानी फोबिक स्टिमुलस। अब ये सारी बात हो, इसका उपचार क्या है। उपचार में आमतौर पर फोबिया के प्रकार के आधार पर मनोचिकित्सा और दवा के कुछ संयोजन शामिल होते हैं। मतलब कि फोबिया का अगर इलाज करना होता है सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि व्यक्ति को स्पेसिफिक फोबिया किस वस्तु से है। ये जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद तब उसे उसी प्रकार की थेरेपी और मेडिकेशन की जाती है। पहली बात, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है
डिसेंसिटाइजेशन या एक्सपोजर थेरापी, विश्राम और अन्य योग तकनीकों के माध्यम से डर को दूर करना। मान लिया जाए इसका मतलब यह है कि डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है कि किसी वस्तु के प्रति आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, उसको डिसेंसिटिव करना। मान लिया जाए आपको कॉकरोच से डर लगता है, तो चिकित्सा में क्या होगा, पहले कॉकरोच आपको बड़ी दूर दिखाया जाएगा, फिर नजदीक नजदीक आपको उसे डिसेंसिटाइज किया जाएगा, यानी कि आपको उस ऑब्जेक्ट को एक्सपोजर बार बार दिया जाएगा, ताकि क्या होगा आपका एक बार फोबिक रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद अपने आप प्लेटू बनकर कम होने लगता है। ठीक, ये होती है आपकी डिसेंसिटाइजेशन या एक्सपोजर टेक्निक। दूसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, ज्यादातर डिसऑर्डर्स में ये बहुत कारगर साबित होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। तीसरा है दवाएं, जो कि साइकोलॉजिस्ट नहीं देता है, वो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिसको बीटा ब्लॉकर कह सकते हैं, या एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती है वो भी फोबिया में दी जाती है, और वो कई बार कारगर भी साबित होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे पहले कि दवाएं दी जाए, व्यक्ति को साइकोथेरापी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बीमारियां साइकोथेरापी से ठीक हो जाती हैं। जो ये दवाएं हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, सबसे पहले आपको सेडेटिव्स देते हैं, नशे की दवाइयां होती हैं, वो आप लेंगे, सो जाएंगे, खूब आराम रहेगा, और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार उसकी आदत भी पड़ जाती है। तो दवाओं से बचना चाहिए, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर समय में उसका इलाज साइकोथेरापी से संभव होता है। ठीक है, और चौथी बात होती है इंप्लोसिव टेक्निक। इंप्लोसिव टेक्निक का मतलब है कि जिस वस्तु से, घटना से आपको फोबिया है, जितना उससे भय लगता है, उस भय को और बढ़ा देना, एक इस लेवल पर ले जाना कि उसके बाद वो भय बढ़े ही नहीं, और फिर क्या होगा, बार बार अगर आपको वो चीज दिखाई जाएगी तो भय अपने आप ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। फ्रेंकल साहब ने बहुत बार इसको इस्तेमाल करके इसको प्रूव करके भी दिखाया कि बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। तो दोस्तों ये थे उपचार। योगिक आसन और योग लगभग वो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, नॉन ऐसी मेडिसिन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, विकार नहीं है, जिसका कि योग और मेडिटेशन प्राणायाम के माध्यम से उसका उपचार संभव है। प्रिवेंटिव टेक्निक है, अगर आप योग करना आरंभ करते हैं, प्राणायाम करना आरंभ करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपकी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, और जो शुरुआती स्टेज में वो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो योग करो, योग रहो, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से रहो निरोग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारे टॉपिक, यानी कि हमारे कुछ फोबिया और वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कौन कौन से फोबिक स्टिमुलस होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हमें डायग्नोस करना है, कैसे उपचार करना है, ये सारे के सारे था हमारा आज की डिस्कशन। ये मेरे रेफरेंसेज हैं, आप इनको क्रॉस चेक करें और आप इनको और पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो अगली हमारी जो वीडियो होगी वो होगी यूनिपोलर डिसऑर्डर्स, एक ध्रुवीय विकार। क्लियर आपको? तो अब हम विदा लेते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।